कहाँ थे तुम? तुमने शराब पी रखी है? हाँ पी रखी है निहाल। सब खत्म हो चुका है, हम अब अलग हो जाएंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये तुम क्या मैं कह रहा हूं, सावस? सब खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी समझ में आ गया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला। बकवास बंद करो, जाकर फ्रेश हो जाओ इससे पहले कि सावस जाग जाए। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम चुप बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, अगर तुम चीजें नहीं निभा सकते तो वापस मत आना, समझे तुम? प्यार से कहा था क्या मुझसे? तुमने मुझ पर दबाव डाला, मैं क्या करता? और तुम आए थे मेरे पास, फिलिस को बचाने के लिए मेरे पास आए थे तुम, अभी भूल गए? तुमने उसे लाकर मुझसे कहा था कि ये तुम्हारा बेटा है, कहा था ना? तो मैं क्या करता, मैं उससे मुंह मोड़ लेता क्या? नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो सावस, पर तुम इससे भाग नहीं सकते। तुम सावस को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं सावस को नहीं छोड़ूंगा, मैं भला उसे क्यों छोड़ दूं? बोलो क्यों छोड़ूं मैं उसे? मैं सब कुछ फिलिस को बताने जा रहा हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, समझ गई तुम? मैं उसे कहूंगा कि ये पूरी सिचुएशन सावस के कारण है, और उसके बाद उसे जो करना है वो करे, मैं नहीं जानता। तुम उसे सब कुछ बता दोगे फिर तुम खुश हो जाओगे, है ना सावस? तुम फिर शुरू हो गई। हाँ, तुम बच्चे से सिर्फ वीकेंड पे मिलोगे और संडे के संडे। मैं नहीं जानता क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर इसी तरह चलता रहा तो मैं बाप का फर्ज नहीं अदा कर पाऊंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे लिए ये सब कुछ खत्म हो चुका है, कैसे समझाऊं तुम्हें बताओ? तुम ऐसे खत्म नहीं कर सकते, तुम हमें नहीं छोड़ सकते। ये हक तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे बेकार के प्यार के लिए मैं अपने बच्चे की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। अब बच्चा बीमार है। तुम क्या कर रही हो सावस? तुम्हारी बात सुन लेगा, चुप हो जाओ। उसकी जिंदगी खतरे में है और तुम इतनी बेशर्मी के साथ अपने प्यार के बारे में वो भी मेरे सामने बात कर रहे हो? निहाल नहीं, निहाल क्या कर रही हो तुम? अपना गुस्सा शांत करो। सावस बस बहुत हो गया सावस, और एक बात मत करना और तुम वो क्लिनिक छोड़ दोगे। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम वो क्लिनिक क्यों जाते हो। मुझे सब पता है सावस, मैं जानती हूँ तुम मिलने जाते हो। मुझसे बदला मत लेना सावस, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। आप लोग चिल्लाओ मत। सावस बेटा, बेटे तुम उठ कैसे गए? हाँ आप चिल्लाओ मत। नहीं हम चिल्ला नहीं रहे थे, मैं बस तुम्हारी मॉम से बात कर रहा था। हम चिल्ला नहीं रहे थे बेटा, घबरा गए थे क्या? हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। सावस 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 बेटा सावस, क्या हुआ बेटा? सावस क्या हो रहा है? सावस सावस बेटा, किराज चलो आओ, तुम लेट हो जाओगी। हाँ मैं तैयार हो रही हूँ। रहमत उठ जाओ बेटा, नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाओगे। उठो। दीदी मेरे सॉक्स फट गए हैं। सेसिक तुम जरा दरवाजा खोल दो, तुम मेरी सॉक्स में से एक ले लो ना। नहीं आपके सस्ते और खराब क्वालिटी के, उनसे मुझे खुजली होती है। तो नंगे पांव जाओ, ठंड से जम जाओ। हाँ जेमिल, क्या हुआ सुबह सुबह, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उस वक्त आप मुझ पर टूट क्यों पड़ी थी? तुम मुझ पर सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैडम क्या आपने कभी गुड मॉर्निंग का नाम सुना है? अक्सर ना डांटने से पहले गुड मॉर्निंग बोल लिया करो प्लीज। हाँ तो क्या हुआ, मैंने अगर नहीं कहा तो? मेरे ख्याल से तुम गुड मॉर्निंग तो बोलने नहीं आए हो, कुछ और काम से आए होंगे, बोलो। अरे आपको कैसे पता? हो सकता है कि मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ। क्या तुम गुड मॉर्निंग बोलने आए हो? नहीं वैसे मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, पर अगर आप गुड मॉर्निंग बोल भी देंगे तो आपका कुछ जाता है क्या? मुझे सुबह सुबह तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ बताओ। अच्छा आप जरा प्लीज बाहर आइए, कुछ बात करिए। सुनो आप तूफान को जानती है? बदकिस्मती से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका किसी और के साथ अफेयर हो रहा है, शायद वो हमारी बहन के साथ गलत कर रहा है। वो तुले होगी तुले, उसने अपने बाल सुनहरे करवा लिए। उसने अपने बाल कलर करवाए?
नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कल रात पेट्रोलिंग कर रहा था, आप तो जानती है कि हमारे काम का कोई ठिकाना नहीं होता, सुबह शाम बस काम ही करते रहना होता है, और वैसे भी लोगों की सेफ्टी तो यहाँ कितनी मुझे मालूम है, पुलिस का क्या काम होता है, तुम मुद्दे पर आओ। हाँ, तो मैं उसकी कॉफी शॉप पर गया था और मैंने देखा कि वहाँ की लाइट जल रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है, तो मैं वहाँ गया। हाँ, अकेला तो तूने उसे बाहर निकाला होगा। हाँ, उसने मुझे बताया, पर उसने ऐसा किया क्यों? उसे शक हुआ होगा तभी तो ऐसा किया ना। नहीं, उसने इसलिए किया क्योंकि वो पागल हो गई है। वैसे तुम आगे बोलो, क्या कह रहे थे? उसने बार सजाया हुआ था और वहाँ पर दो ग्लास भी रखे हुए थे। मैंने जब उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर दो ग्लास क्यों है, वो थोड़ा हड़बड़ा गया मेरे सवालों से। उसने वहीं के वहीं सारे झूठ बोल दिए, पता है। उसने तुम्हें ये नहीं बताया वो किसके साथ पी रहा है? उसने कहा कि वो खुद ही पी रहा है दोनों ग्लास से। अब समझ रही हो, उसे लगता है कि वो किसी बच्चे को बेवकूफ बना रहा है, वो जो बोलेगा मैं मान लूंगा। मुझे लग रहा है कहीं वो भी पागल तो नहीं हो गया। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, पर मैडम ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं इन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, आप तो मेरी बात समझ रही है ना। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाती है, पर ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से अलग थोड़ी हो जाना चाहिए, ये किसी की प्रॉब्लम का सलूशन थोड़ी है। सही कहा आपने, हिकमत की प्रॉब्लम भी कितनी इजीली सॉल्व कर दी थी, है ना। हाँ, मैंने सुलझाया तो था। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मैंने सब ठीक कर दिया था। तो चलिए, बिना किसी से कुछ कहे हम यहाँ से जाते हैं और उनसे जाकर सवाल करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, तुले भी अजीब सा बर्ताव कर रही है, हम जानते हैं। अगर वो सबसे थक चुका है तो सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, और क्या कह सकती हूँ मैं, जरा सी परेशानी और छोड़ दिया। शर्म की बात तो है, पर आप सबके बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? ये बात मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? ठीक है, मैं घर की सफाई करने की बात आती हूँ। सफाई कर लीजिए। हाँ, 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 तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। खबर का इंतजार करना। हाँ, सी यू। कौन था बाहर से? सिख कौन? अच्छा, वो जो अभी बाहर था, जेमिल। डरपोक जेमिल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बदमाश? कितनी खराब बात है ये, ऐसे किसी को नहीं कहते। क्या हम अपने डरपोक जेमिल की ही बात कर रहे हैं ना? तुम ठीक तो हो? अरे मैं कह रही हूँ कि ऐसे किसी का नाम कैसे रख सकते हैं। खैर, जो हो गया सो हो गया, सब पुरानी बातें हैं। चलो अब तुम अपना काम करो, तुम लोगों को स्कूल जाना है ना, चलो मुझे टेबल साफ करना है, उठो। ये छोड़ दो, मैंने अभी अपना नाश्ता खत्म नहीं किया है, चलो इसे खा लो। बूढ़े आदमी, आप तो वैसे ही रिटायर होने वाले हैं। बहुत दिमाग मत चलाओ, समझी ना। रहमत। हाँ। चलो आ जाओ। क्या हुआ दीदी? एक सैंडविच बना लो। हाँ, पर ब्रेड तो सबने खत्म कर दिया। फिलिस, मैं आज बच्चों को छोड़ आऊंगी। तुम वर्कशॉप पर नहीं आओगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आज मैं घर पर ही रुकूंगी। इस बूढ़े आदमी को ऐसे अकेला छोड़ना तुम्हें क्या लगता है अच्छा नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ध्यान रखूंगी ना। अच्छा ठीक है, तुम घर पर रुक जाओ। चलो सब चलो। फिलिस, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो हा? जो तुले है ना, तुम्हें उससे बात करनी होगी। उसका जो पागलपन है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मैं सच कह रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तूफान भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो भी हो, लेकिन तुम तुले से बात कर लेना। अगर वो बोर हो गई हो तो अपने, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने पति को घर से बाहर निकाल दो। कितनी बकवास बात है ये, बहुत खराब बात है ये। मैं बात करती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुले से मिलने जा रही हूँ, दरवाजे पर इंतजार करना। हाँ ठीक है। मेरी जान, मेरी जाने मन, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, बात आगे मत बढ़ाओ प्लीज। हम इसे साथ में मिलकर निपटा लेंगे और तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ठीक है, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए। हाँ, हुक्म करो मेरी महारानी। वो ये कि तुम इस घर में कभी भी लौट कर मत आना, कभी भी नहीं। अरे लेकिन जान, मेरी बात। तिले, फिलिस, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैं ये पूछना थी कि क्या तुम मेरे साथ वर्कशॉप पर चलोगी? ठीक है चलो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना। तुले को मैं वर्कशॉप ले चलता हूँ और उसके बाद हम रास्ते में कहीं चाय पी लेंगे, बातें करेंगे, वक्त बिताएंगे, है ना? बोलो डार्लिंग, कैसा आइडिया है बताओ। अरे तूफान भाई, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ। तुम भी थोड़ी ताजी हवा खा लेना और तूफान भाई तुम्हें वर्कशॉप ले जाएंगे और फिर हम घर वापस साथ में आ जाएंगे। आ सकता हूँ ना वापस प्लीज? जरा एक मिनट रुको, रुको। ये सूप ले जाओ और ज़ैनब को दे देना, ठीक है? वो प्रेग्नेंट है और उसे ये खाना चाहिए, उसके बच्चे के लिए ही अच्छा रहेगा। अब मैं कोट लेकर अभी आती हूँ, ठीक है?
अरे फिलिस कुछ करो यार, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कितने दिन घर से बाहर रहूं मैं? आप ठीक कह रहे हैं तूफान भाई, मैं आपसे वर्कशॉप पर बात करूंगी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कह रहे हैं शांत हो जाइए। मैं तैयार हूँ। तुम अभी भी यहाँ खड़े हो तूफान? चलो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम भी साथ आ रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, हाँ तुम बरिस को धमकाओगे। हाँ फीकू को इस जगह को क्यों याद रखना चाहेगा? हम अपने घर वापस जाएंगे, डैड को सब कुछ याद आ जाएगा, पर हमारी दीदी को ये बात पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से डैड को याद नहीं आ रहा और जबरदस्ती हम यहाँ हैं। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमें ज़ैनब पर भरोसा तो है, पर देखते हैं। अच्छा गाइस सुनो, सिसेक सिस्टर तुम्हें स्कूल ले जाएंगी, जैसे वो चली जाए वहां से भाग आना। ठीक है ठीक है, हम भाग कर आ जाएंगे। चलो बच्चों जल्दी करो, तुम्हारी पहली क्लास छूट जाएगी, वैसे ही मेरे घर के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। चलो चलो जल्दी चलो। आ रहे हैं। चलो टाइम पास मत करो, मैंने कहा। चलो चलो। चलो चलो चलते हैं। जब तक वो चले नहीं जाते तब तक इंतजार करते ताकि पकड़े ना जाए। क्या बात है, मेरे बेटे ने आज तक सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है और वो है तुमसे शादी। बहुत अच्छे। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने पापा मिल गए। फिक्री पापा। आप हमेशा अपने साथ ये मूर्ति क्यों लेकर चलते हैं? मुझे नहीं लेनी चाहिए, मुझे नहीं पता, इसको साथ रखने की कोई वजह तो होगी। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग पता कर लेंगे। मेरी बात सुनो, तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे, सिर्फ अपना चेहरा दिखाओगे और वापस आ जाओगे। ठीक है दीदी, आप हमें गुंडा समझती हैं और हम क्या करेंगे। हाँ दीदी, आप हमें गुंडा समझती हैं क्या? उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। देखो तुम्हें यहाँ लाने का मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। वो ठीक कह रहा है फिलिस, वो यहाँ आया ही क्यों है? रहमत उसके मुँह पर चाटा मारेगा और सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं चाटा नहीं, तुम इन्हें भड़काओ मत। चलो हटो। गुड मॉर्निंग फिलिस, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। ये लड़के कौन हैं? मेरे भाई हैं, रहमत और हिकमत। क्या बात है, बहुत अच्छे। आंटी वो डॉक्टर आ गया क्या? डॉक्टर तो आ गए, पर जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। क्या? आज से डॉक्टर यहाँ नहीं आएंगे, पेशेंट्स को परेशानी ना हो इसलिए आज से उन्होंने अपने दोस्त को यहाँ भेजा। अरे बाप रे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हूँ। अरे हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है, हम तो बेकार में यहाँ तक आए। मैंने कहा था ना कि वो डर कर खुद ही भाग जाएगा। खैर तो चलो तुम लोग स्कूल जाओ, क्लास मिस करने का कोई फायदा नहीं है, चलो जाओ। अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने हथियारों के साथ एक मच्छर को मारने यहाँ आए थे। आंटी जब तुम्हारे डॉक्टर वापस आ जाएं तो उनसे कह देना कि यहाँ पर रहमत और हिकमत आए थे। क्या दीदी, उन्हें बता दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे। अरे पर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो शादीशुदा है, उनका एक परिवार है, वो बहुत अच्छे इंसान है, क्यों पीछे पड़े हो उनके? ऐसा कुछ भी नहीं आंटी, खैर जाने दीजिए। ठीक है तुम लोग स्कूल जाओ। हाँ चलो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है और वो अपने परिवार के साथ रहता है, कितनी अच्छी दुनिया है। हाँ मेरी प्यारी फिलिस, तुम्हें किसी अच्छे और समझदार आदमी के साथ होना चाहिए। मिस्टर सलीम बहुत अच्छे आदमी है, अपना हाथ सलीम के हाथों में दे दो और तुम दोनों साथ में रहो, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्यारी तुले, मैं कह चुकी हूँ सलीम के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए। फिलिस अलेबोन। जी मैं हूँ। हेलो, मैं सलीम का को-पार्टनर हूँ निजात। आइए आइए। थैंक यू, हम एक दो बार ऑफिस में मिले, आज से आपके प्रॉब्लम से मैं डील करूँगा। क्यों, सलीम ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, घबराइए मत, वो बस आजकल थोड़ा बिजी हो गए तो हमने काम बांट लिया। अच्छा, और उन्होंने हमारे किस आप को दे दिया है? हाँ, मैं आपको मेरा कार्ड दे देता हूँ, ये लीजिए।
आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। अगर आप इस डेप्यूटेशन पर साइन कर देंगी तो आज से ऑफिशियली मैं आपका काम संभाल सकता हूँ। ये लीजिए। मिस्टर सेलिम पक्का ठीक है ना? किसी परेशानी में तो नहीं? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि मैंने कहा हमने काम बांट लिया है। ये लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यू हैव अ गुड डे टू मैम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। अब तो तुम खुश हो ना? क्या कर दिया तुमने उसे? नाराज कर दिया देखा? नहीं, उन्होंने कहा कि वो बिजी है। नहीं, बात वो नहीं है। कल मैंने तुमसे फोन करने के लिए कहा था, तुमने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। अगर वो नाराज नहीं होते तो फोन उठाते ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, तुम लोग यहाँ? अच्छा है ना, हम लोग यहाँ दोबारा रहेंगे। हम लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए दीदी के साथ रह रहे हैं, है ना डैड? हाँ। जब तुम लोग यहाँ वापस लौट आओगे हम भी तुमसे यहीं मिलेंगे। जैसे ही हम यहाँ वापस लौटेंगे, हमारे यहाँ सिर्फ तुम्हारी कमी तो थी, इससे ज्यादा क्या तुम्हारे पास चाबियां हैं? चलो दरवाजा खोलते हैं, अंदर चलते हैं, समझे? अरे डैड, चाबी की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ ना। मेरा बेटा। ये क्या, उन्होंने घर को सेल के लिए डाल दिया है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलत फहमी हो रही है। जब मालिक आंटी वापस आ जाएंगी तो वो कहाँ रहेंगी, है ना डैडी? बोलिए ना, आप कहाँ रहेंगी वो? अरे मुझे तंग करना बंद करो, चलो मुझे किसी तरह घर के अंदर जाना है। ठीक है पापा, मुझे एक रास्ता पता है, चलिए। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने उस बूढ़े और वो नीली आंखों वाली को घर पे अकेला छोड़ा है। इससे पहले कि वो घर को तबाह करे मुझे पहुंचना होगा। आंखें और बूढ़ा, शायद आप दुल्हन और फिक्री भाई की बात कर रहे हैं? नहीं, बोलो घर को तबाह नहीं करेंगे, पर फिक्री भाई घर को बेच जरूर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करें? क्या हम लोगों को उनके साथ अंदर चले जाना चाहिए, थोड़ी ताकझाक करनी चाहिए? चलिए हम साथ चलते हैं, कहेंगे कि हम लोग चाय पीने आए हैं, चलो चलते हैं। रुको, वो ये नहीं पूछेगा कि हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में चाय तो पीने नहीं आएंगे। हाँ, कुछ भी बकवास। हाँ ठीक है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे बताएंगे जैसे हम रास्ते में मिल गए, मैंने आपसे पूछा कि आप कैसी हैं और फिर हिकमत की परेशानी कैसी रहेगी, तो आप कहना कि ओ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत प्रॉब्लम्स है, पता नहीं कैसे सब सॉल्व होगा। फिर आप कह देना कि आपने पूछ लिया कि चलो चाय पीते हैं अंदर चल के, तो फिर मैंने हाँ कह दिया। क्या, मैं तुम्हें चाय पीने अंदर ले आई? मैं ऐसा करूंगी? तुम मुझे क्या समझते हो, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा मैडम। अरे यार, अच्छा तो ये कहता ना कि मैंने आपको इनवाइट किया। ठीक है, ये ठीक रहेगा। हाँ वैसे बढ़िया है, मैंने तुम्हें ओके बोला क्योंकि ये तूफान भाई का कॉफी हाउस है, इसलिए तो ये चलेगा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। हाँ तुम उसका ध्यान भटका देना, मैं यहाँ वहाँ तब तक देख लूंगी क्या है। चलो अब चलते हैं, सब जगह ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या कर रहे हो ब्रदर? अरे जमील और सिसक, क्या चल रहा है, साथ में पेट्रोलिंग कर रहे हो क्या तुम दोनों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे तूफान भाई? हाँ, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे? अगर हाँ तो हमें बता दीजिए, ऐसा ही है ना, बताओ। अरे नहीं, और तुम जरा सांस तो लो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम दोनों को साथ देखा इसलिए, अब इसमें इतना बुरा क्यों मान रही हो? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे एक दूसरे से टकरा गए, मैंने मैडम को हिकमत के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, खड़े खड़े क्यों बात करें, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहीं आकर चाय पी ले, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। मुझे इनवाइट किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा तो इसने तुम्हें इनवाइट किया, ठीक है तुमने अच्छा काम किया, लेकिन हिकमत ने आखिर क्या किया था ये बताओ, क्या उसने फिर से कोई गलती की? वो तो कुछ भी कर सकता है, कल उसने शादी की, आज उसका बच्चा हो गया और बच्चे हो जाएंगे, कल वो अपनी बीवी को धोखा भी दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वो धोखा नहीं देगा? मुझे तो यही लगता है, आप ये बताओ आपका क्या ओपिनियन है? क्या उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, मैं समझा नहीं। नहीं भाई, उसने धोखा नहीं दिया, मतलब उम्मीद है, मैं तो बस इस मुद्दे में मैडम से कुछ देर बात करना चाहता था और कुछ नहीं, ताकि अगर फ्यूचर में वो अपनी बीवी को धोखा दे तो पता होना चाहिए कि क्या करना है, है ना? हम प्रिकॉशन जरूर लेंगे तूफान भाई। हाँ बिल्कुल सही बात कही है तुमने, प्रिकॉशन लेनी भी चाहिए।
अच्छा तुम लोग तो ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए चाय या कुछ और लेके आऊँ? तुम लोग बैठो, मैं थोड़ी देर में ले आता हूँ। हम तो वैसे ही चाय पीने आए थे। तुम अपने कस्टमर्स पे ध्यान दो ना, हमारी परवाह मत करो, हम खुद जाकर चाय पी लेंगे। हमारा ही तो है ये कैफे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुनो प्लीज, हमारे लिए चाय लेकर आना, ठीक है? और आप जरा प्लीज आराम से बैठ जाइए भाई, ठीक है? हाँ अब आएगा। हाँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं तूफान भाई। आइए भाई बैठिए, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, बस आराम से बैठिए। अरे आखिर बात क्या है भाई? भाई हम इस मसले के बारे में बात तो नहीं कर पाए। कौन सा मसला? पर ये बताइए क्या परेशानी है, आप यहाँ तो नहीं रहते ना? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, पर जमील तुम्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अरे मेरे भाई आप तो बेफिजूल में गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी परेशानी के बारे में बात कर रहा हूँ। रास्ते से चलो हम चलते हैं, तूफान भाई को अपना काम करने दो आराम से। और आपने कहा कि चलो चलते हैं। नहीं हम बैठेंगे नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। क्या देख लिया? क्या देखा मैंने? मैंने क्या देखा? चाय। क्या आप चाय में पत्तियां भी डालते हैं? तो आप चाय में पत्तियां नहीं डालते? ऐसे कैसे नहीं डालते आप तूफान भाई चाय में पत्तियां? बिना पत्तियों की चाय कैसे बनेगी? हाँ जमील तुम चाय में पत्तियां तो होनी चाहिए ना। हाँ चलो हम कहीं और चलते हैं, ये वैसे भी मुझे डांट रहे हैं। हाँ चलो चलो, चलो चलते हैं। समंदर किनारे ज्यादा घूमना मत, मौसम ठंडा है। हो क्या गया इन दोनों का? क्या हुआ तुमको? अरे हम अभी तो अंदर गए थे, क्या देख लिया तुमने ऐसा? मुझे पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पत्नी को बहुत बुरी तरीके से धोखा अच्छा, दे रहा है। क्या देख लिया मुझे प्लीज बताइए तो सही, क्या देखा? अरे प्लीज बताओ मुझे क्या देखा? उसने किसी औरत के लिए उसने कुछ एक पैकेट में खरीदा था, वो छुपाया हुआ है। क्या सच में? पर आपको कैसे पता? शायद वो अपनी पत्नी के लिए लाया। ओ जमील जिस आदमी की शादी कुछ साल पहले हो चुकी है वो अपनी बीवी के लिए सुंदर तोहफा क्यों लाएगा? चलो मान भी लो उसने ऐसा किया हो तो फिर उसने यहाँ पे छुपा के क्यों रखा है? आप ठीक कह रही हैं। हाँ देखा आपने, मैंने तो आपसे कहा ही था, अब क्या करेंगे हम? क्या मुसीबत है ये? अब हम लोग यहाँ छुप जाएंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, तभी वो अपनी गलती को मानेगा। हाँ आप ठीक कह रही है, उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ठीक है तो फिर हम यही साथ में इंतजार करते हैं। हाँ बेहतर होगा कि हम दोनों साथ में करें, क्योंकि तुम तो ये अकेले कर नहीं पाओगे, हम दोनों को साथ में ही रुकना पड़ेगा। हम लोग आपस में बात कर लेंगे। डैड सुनिए, डैड यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा सोफा था, आपको याद है? यहाँ पर हम लोग खेला करते थे और उसके बाद डांस भी करते थे, बिस्किट मैन बनकर डांस कर रहे थे। हम साथ में बहुत मजे करते थे, आप हमेशा गेम्स में चीटिंग करते थे, है ना? हाँ। वाह कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी। तुम कह रहे थे कि सासू माँ ने ये सब मेरे लिए किया था। हाँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये घर किसी भी तरीके से वापस ले लेती। मुझे इसमें से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आप थोड़ी कोशिश तो कीजिए, घर बिकने से पहले आपको कुछ तो याद आना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और आपको फिर ये घर हमेशा के लिए भूल जाना होगा। डैड आपको कुछ याद आया? वाह मैंने ये क्या देखा? ये आपने क्या देखा?
पता नहीं, पर जाहिर है कि बहुत बुरी चीजों से गुजरा हूँ मैं। अरे यार, मुझे अब इस जगह से नफरत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई भूत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बैठ, रुकिए तो, यहाँ कुछ देर और रुक जाते हैं ना। आपको दूसरे घर में जो बात इतने लंबे समय से याद नहीं आई, वो यहाँ आपको दो मिनट में याद आ गई। क्योंकि डैडी, ठीक है गिरास, जिद मत करो। तुमने देखा ना, उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा है। अब हम उन्हें धीरे धीरे उन सारी जगह ले जाएंगे, सब याद आ जाएगा उन्हें। देख लेना, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना। चलो फिर। उन्होंने फोन नहीं उठाया ना? तो ले, वो किसी हियरिंग या किसी जरूरी मीटिंग में होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया। वाह, ये हियरिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। कम से कम तुम्हें ब्रेक में फोन तो कर सकते थे ना, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कल रात भी तुम्हारा फोन नहीं उठाया था। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाह, कल तुम्हें उस पार्टी में जाना था और तुम उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर आ गई। तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देखकर बौखला गई और उन्हें बताया बिना भाग कर आ गई। कोई भी नॉर्मल इंसान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो नाराज हो गए। तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है ना फेलिस मैडम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ऐसा ही लगता है। उन्होंने फिर भी अपने पार्टनर को भेजकर अपनी मेहरबानी दिखाई है। सच कहूं, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कब से छोड़ देती तुम्हें। सेलिम, क्या आप ठीक हैं? जब भी आपको वक्त मिले मुझे फोन कीजिए। देखो, उनका फोन आ गया। देखो तो क्या कहते हैं वो। हेलो सेलिम, माफ करना मैंने फोन किए पर आप उठा ही नहीं रहे थे। मैं बिजी था फलेज, बोलो क्या है। कुछ नहीं, वो मुझे कल थोड़ा जल्दी में निकलना पड़ा। मैंने आपको फोन किया पर आपने फोन ही नहीं उठाया। वो क्यों? हाँ, मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा, कोई बात नहीं है। वो आपने हमारा केस निजात को दे दिया। मैं बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी कि आप ठीक हैं या नहीं। निजात बहुत अच्छा वकील है, वो मेरी तरह आपका केस अच्छे से संभालेगा। आपको और कुछ कहना है? सेलिम, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक नहीं लग रहे, और क्या आप मुझसे बहुत नाराज हैं? फिलिज, अभी मेरी कोर्ट में हियरिंग है। जैसा मैंने कहा आपसे, आपका केस निजात संभालेगा। मैं फोन रखता हूँ। क्या कहा उन्होंने? शायद वो अपनी हियरिंग में है या हियरिंग में जा रहे हैं, बात नहीं कर सकते। देखा तुमने, ऐसा लग रहा है ना कि वो नाराज है। मेरी प्यारी फिलिस, मेरी बात सुनो। इस आदमी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी मदद की है। उन्होंने तुम्हारा बिजनेस सेट करके दिया है, तुम्हारे पापा को ढूंढा है, बरिस को भी तुमसे पहले ढूंढ लिया था। उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस दिलवाए जब तुम नशे में धुत थी, वो तुम्हें सेफली घर वापस लेकर आए। और आखिर तुम क्या चाहती हो उनसे? क्या गलती की है उन्होंने फिलिस? हाँ बोलो, क्या चाहती हो तुम उनसे? तुम ठीक कह रही हो। तुम कहाँ जा रही हो? सेलिम के ऑफिस जा रही हूँ, उनसे माफी मांगूंगी और फेस टू फेस बात करूंगी। बहुत बढ़िया, सारे महान लोग एक जैसा ही सोचते हैं। अब वो ठीक है? अभी ठीक है, आप जरा शांत हो जाइए। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है, बाकी रिपोर्ट्स भी सही आए हैं। अच्छा, ये बताइए उसका हार्ट कैसा है? वो अब अंडर कंट्रोल है, आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी देर में उसे शिफ्ट करेंगे। लेकिन
अचानक आपके बेटे को अटैक आया कैसे? और इस अटैक के पीछे की कोई वजह? क्या आपके बेटे को कोई टेंशन थी? हम जानते हैं डॉक्टर, हम इसकी वजह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना सबस। ठीक नहीं है, चुप हो जा। देखिए सबस, आप जानते हैं अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, और जब तक आपके बेटे को एक सूटेबल हार्ट नहीं मिल जाता, आप अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। जानता हूँ, जानता हूँ। और उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे उसे टेंशन। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। हम इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। अब सही कह रहे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से उसे देखने आऊंगा। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती और तुम अपनी प्रेम कहानी निभा रहे हो, समझ? क्या हो गया निहाल, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। तुमने वादा किया था कि तुम मरते तब तक उसके डैड बन कर रहोगे, अब क्या हुआ? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया समझ? मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती समझ, कुछ करो डॉक्टर्स को लगता है कि उसके ऑपरेशन से उसके बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑपरेशन होने से पहले वो अपने डैड से मिलना चाहता है सबस। और ये बात तो मुझे आप कह रही हो, है ना? सबस हमेशा से अपने डैड से मिलना चाहता था, और अगर ये सब नहीं हुआ होता तो उसे भी नहीं पता चलता कि उसका डैड कौन है। अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताती होती तो आज सबस के पास एक डैड होता, समझ रही हो तुम? इतनी जरूरी बात है ये। तुम इसे मेरी गलती कह सकते हो, पर मैं उस तरह की औरत नहीं हूं सबस जो तुम समझ रहे हो। मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा जिंदा रहेगा या नहीं। मैं बस उसके लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती हूं। अगर तुम हमारे बेटे के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम हमारे बेटे के लिए फिलिस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे। मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसा डैड नहीं रखना चाहती जो सिर्फ संडे के दिन मिले। क्या बकवास कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस बारे में अच्छे से सोच लेना सबस। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम ये वादा जरूर निभाओगे, साथ नहीं छोड़ोगे। हेलो, मैं आपके ऑफिस गई थी, उन्होंने कहा आप यहाँ होंगी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आप फोन पर ठीक से बात नहीं कर रहे थे, मुझे लगा आप किसी परेशानी में हैं। आप हमेशा मेरी परेशानियां सुनते हैं, पर इस बार मैं आपकी सुनूंगी। फिलिस, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में वैसा महसूस नहीं करती हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा।
पर मैंने आपके साथ कभी अलग तरीके का बर्ताव नहीं किया, आपको कभी परेशान नहीं किया। मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। मुझे नहीं पता, पर आपने कहा था जो तुमने किया मैं उस बात की दाद देता हूं और तुम्हारे साथ हमेशा दोस्त बनकर रहूंगा। फिलिस, वो बात मैंने पूरी सच्चाई से कही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें जल्दी कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी कदर करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू। हर चीज के लिए थैंक यू। तो फिर बाद में मिलेंगे। ये लो, पानी पी लो। मैंने तुम्हें बहुत फोर्स किया सबस। मैं जानती थी तुम यही कहोगे ना कि मैं कितनी बुरी हूं। क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं होती सबस? ठीक है निहाल, मैं समझ गया। और कितना बोलोगी? बेटा कैसे हो? बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा बहादुर बच्चा उठ गया ना, शाबाश मेरे बच्चे। डैडी मत जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा? अब ये लोग तुम्हें ऊपर ले जाएंगे और वहाँ तुम्हारे साथ रुकेंगे, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हाँ पक्का, ठीक है? तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा, ठीक है? मेरा बहादुर बेटा। सॉरी मैं खुद को नीचे गिरा रही हूं, पर मुझे आपसे बात करनी है। मैं बैरिस से प्यार करती हूं। हाँ, पर मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानती हूं उसने जो किया वो सबके बाद, ये सब बहुत ही बेतुकी बातें हैं और हम दोनों का दोबारा कभी साथ होना नामुमकिन है। हर चीज के बावजूद मेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ। किसी और से प्यार नहीं कर सकती मैं। मेरे दिल में और किसी के लिए जगह नहीं है। पर अगर होती तो मैं चाहती कि वो इंसान आप होते। मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपसे ऐसी बात कहूं। मैं आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकती। पर आपको पता होना चाहिए कि मैं आपकी कद्र करती हूं। गुड बाय। हम दोनों यहीं पर हैं तुम्हारे पास, ठीक है?
अब अच्छे से सो जाओ तब ठीक हो पाओगे। मुझे नहीं सोना। पर बेटा तुम्हें नींद की जरूरत है, तुम नहीं सोए तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। अगर मैं सोया तो डैड चले जाएंगे। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है बेटा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर हूं तुम्हारे पास, ठीक है? चलो अब सो जाओ, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा। क्या आप मेरे पापा हैं? हाँ मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम हो मेरे हैंडसम बेटे। तो अब तक हमारे साथ क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि मैं बहुत दूर था बेटा, मुझे वहाँ किसी काम से जाना पड़ा, पर अब मैं वापस आ गया। आप ऐसे नहीं जाएंगे ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? कहीं नहीं जाऊंगा, पहले तुम ठीक हो जाओ। जब तुम इससे ठीक हो जाओगे ना, हम तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छी जगह जाएंगे, हम ढेर सारी जगह घूमेंगे,